नमस्कार, आप सबका आपके अपने संस्थान टारगेट विद आलोक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल। दोस्तों, RO AR O परीक्षा 2023 एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आपके सामने आ चुका है। अब विलंब के ही कारण स्वामी, अब विलंब करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अब से अगर आप एक सूत्रीय संकल्प के साथ जुड़ जाए तो आपका सपना साकार हो जाएगा। मैं इस पूरे विश्वास के साथ यह बात कह सकता हूं, आपके संकल्प की सिद्धि का यह सबसे श्रेष्ठ वक्त है। जाग जाइए, जुड़ जाइए आपके अपने संस्थान टारगेट विद आलोक से। आपके सपनों को साकार करने में हम कृत संकल्प हैं, अपनी 100% भूमिका का निर्वहन करेंगे आपके सपनों के साकार होने में। प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित शुक्ल आपको इतिहास विषय से रूबरू कराऊंगा। आज इतिहास विषय का एक बहुत ही ज्वलंत, बहुत ही चर्चित और एक निर्णायक टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन लेकर मैं उपस्थित हूं, और मुझे पूरा विश्वास है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, एक बार ध्यान से समझने के बाद, हमेशा हमेशा के लिए इस पर आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आखिरी अखिल भारतीय आंदोलन था। इसके बाद कोई भी अखिल भारतीय आंदोलन नहीं हुआ, इसीलिए इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगस्त महीने में हुआ इसलिए अगस्त, और चूंकि इसे बहुत से विद्वान निर्णायक आंदोलन कहते हैं इसलिए इसे क्रांति की संज्ञा दी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे विशद टॉपिक को पढ़ने के लिए जरूरी है कि इसके विभिन्न फलकों को समझें, इसको विभिन्न आयामों में बांटें और प्रत्येक आयाम की एक सारगर्भित चर्चा हो। इसीलिए प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इस आंदोलन की पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, इस आंदोलन के कारणों की चर्चा करेंगे, आंदोलन से संबंधित घटनाक्रम की चर्चा करेंगे, घटनाक्रम के बाद इस आंदोलन के प्रसार की चर्चा होगी, प्रसार के बाद समानांतर सरकारों की चर्चा होगी, समानांतर सरकारों के बाद इस आंदोलन की प्रकृति परिणाम की चर्चा होगी, यानी एक ऐसी चर्चा जिसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन के प्राय सभी पक्षों को स्पर्श करने की, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे पहला जो मुद्दा है वो इसकी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, इसके सामान्य परिचय से जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि पर चर्चा करें। पृष्ठभूमि दोस्तों, किसी भी आंदोलन की, किसी भी घटना की एक पृष्ठभूमि होती है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। 1942 के पहले और 1942 तक की पृष्ठभूमि क्या है? इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी हुई है, भारत भी इस युद्ध में शामिल है, या यूं कहें अंग्रेजों द्वारा शामिल किया गया है। इस पृष्ठभूमि में हम ये चीज देख सकते हैं कि 1940 में भारत को जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया, बिना भारतीयों के मर्जी के। 39-40 में भारत को बिना भारतीयों के मर्जी के, बिना परामर्श लिए शामिल कर लिया गया। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू किया था। लिथुओं ने प्रस्ताव लाया था लेकिन भारतीय इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिए,
इतना ही नहीं, इस समय भारत एक विचित्र मनोदशा से गुजर रहा था। भारतीय राजनीति, भारतीय राजनेता शासन के उपेक्षा के भाव से गुजर रहे थे। मेरा देश और मेरे देश से संबंधित निर्णय में मुझे न शामिल किया जाए, यह भारतीयों के की एक टीस थी। और भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसे वातावरण में हुआ जिस समय गांधी जी स्वयं एक बहुत ही विचित्र मानसिकता से गुजर रहे थे। वो किसी निर्णायक संघर्ष के मनोदशा से गुजर रहे थे। प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि बहुत लंबी है और जिसकी शुरुआत मुख्यतः 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था, भारत में बढ़ रही सांप्रदायिकता, शासन द्वारा सांप्रदायिकता को पक्षपोषित किया जाना, बिना भारतीयों के मर्जी के ब्रिटिश शासन द्वारा निर्णय लिया जाना, ये सारी महत्वपूर्ण चीजें इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में है, जिसका विस्तार से अध्ययन हम इसके कारणों के अंतर्गत करेंगे। तो दोस्तों, जहां तक भारत छोड़ो आंदोलन के कारण का प्रश्न है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक दीर्घकालिक कारण, एक हम इसके दीर्घकालिक कारण देखें या सामान्य कारण, इसी को हम सामान्य कारण भी कह सकते हैं, और दूसरा था इसका तात्कालिक कारण। इसका तात्कालिक कारण, दीर्घकालिक कारणों में कई महत्वपूर्ण कारण हम देख सकते हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीय राजनेताओं की सहमति के भारत को ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में झोंक देना, जैसे लिथुओं द्वारा लाए गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना, जैसे भारत में अन्न की कमी हो जाना और आर्थिक तौर पर भारत की विपन्नता, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का 1942 तक आते आते जापान का निरंतर विजय और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में जापान का निरंतर विजय, उसका साम्राज्यवाद, तमाम क्षेत्रों पर उसका कब्जा कर लेना और यह संभावना कि वो भारत की तरफ बढ़ेगा, इससे हमारे राजनेता बहुत चिंतित हुए थे। उनको लगा कि ब्रिटेन के स्थान पर यदि हम जापान के गुलाम हो जाएंगे तो परिस्थितियां और भी विकट हो जाएंगी। दोस्तों, कई महत्वपूर्ण कारण, दीर्घकालिक कारण इसमें आकर जुड़े। उनमें से कुछ ऐसे उग्रवादी विचारधारा और गतिविधियां थी जो भारत छोड़ो आंदोलन में आकर शामिल हो गई। कुछ ऐसे क्षेत्रीय कृषक आंदोलन और अन्य आंदोलन थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को बल प्रदान किया। दीर्घकालिक कारणों में हम देख सकते हैं कि इस समय ब्रिटिश शासन की नीतियां और उस नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उसके द्वारा शक्ति का प्रयोग, यह भी एक जिम्मेदार कारण बना। लेकिन वास्तव में भारत छोड़ो आंदोलन का जो तात्कालिक कारण था वो था क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता, दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान निरंतर अपना प्रसार कर रहा था तो मित्र राष्ट्रों को भय हुआ। मित्र राष्ट्रों को इस बात का भय हुआ कि कहीं जापान जो धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था, कहीं जापान
भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित न कर ले। मित्र राष्ट्रों को इस बात का भी भय हुआ कि यदि जापान भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा या ब्रिटेन अपना दमनात्मक कार्रवाई भारत पर जारी रखेगी तो जापानियों को भारत आने के लिए भारतीय स्वयं प्रेरित कर सकते हैं, और ऐसे में भारत जैसे भूभाग पर अगर जापान का कब्जा हो जाए तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। यह भय पूरी दुनिया में व्याप्त हुआ, परिणाम स्वरूप चीन, यूएसए और अन्य शक्तियों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि वो भारत को, भारतीयों से बात करे, कोई रास्ता निकाले। तब लेबर पार्टी के नेता चर्चिल ने स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन का भारत आने का जो मुख्य उद्देश्य था वह इस विश्वयुद्ध के दौरान भारतीयों को उनका संविधान प्रदान करना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। क्रिप्स मिशन ने भारतीयों के सामने जो प्रस्ताव रखे उसमें वह युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा का गठन और डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई। ऐसा डोमिनियन स्टेटस जिसमें गवर्नर जनरल उनका होगा, बाय सुरक्षा, भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास होगी, गवर्नर जनरल के पास वीटो का अधिकार होगा। इस तरह का भारत, ऐसे डोमिनियन स्टेटस वाला भारत भारतीय स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसीलिए दोस्तों क्रिप्स मिशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार किया गया। बड़े दलों में चाहे वो कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, सबने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के बहिष्कार का उद्देश्य कुछ और था, क्योंकि वो द्विराष्ट्र के सिद्धांत के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ये वो तात्कालिक कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता, जिसके बाद भारतीयों ने निश्चित किया कि उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई निर्णायक जंग लड़नी ही होगी। प्यारे दोस्तों, इसी क्रम में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जैसे एक निर्णायक आंदोलन की बात कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सामने रखी। उस घटनाक्रम को हम समझते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए के दौरान हुई। तो घटनाक्रम क्या है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, इसे समझें। घटनाक्रम यह है कि 14 जुलाई 1942, ये डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। वर्धा में गांधी जी ने यहीं वर्धा में सबसे पहली बार कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को अपने विचार, भारत छोड़ो आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया। गांधी को भय था कि कहीं कांग्रेस कार्यकारिणी समिति उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार न कर दे। गांधी जी ने इसी शंका से, इसी मनोदशा में, यहीं वर्धा में कहा था कि मैं देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दूंगा, मैं इस देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसी वर्धा में गांधी जी ने कहा था। बावजूद इसकी, याद रहे दोस्तों, जब गांधी जी ने वर्धा में प्रस्ताव रखा तो वर्धा में गांधी जी के इस प्रस्ताव को पूरा समर्थन मिला।
गांधी जी यहां एक बहुत ही विचित्र मनोदशा से गुजर रहे थे। वह निसंदेह एक निर्णायक संघर्ष के पक्ष में थे। इसीलिए दोस्तों गांधी जी ने वर्धा में जब यह प्रस्ताव रखा था तब उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो गांधी जी के व्यक्तित्व के विरुद्ध नजर आती है कि यदि उनके प्रस्ताव का विरोध हुआ तो इस देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देंगे। उनके प्रस्ताव का विरोध नहीं हुआ, समर्थन मिला और इस तरीके से यह पहला भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में गांधी जी को समर्थन हासिल हुआ। इसी क्रम में 1 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण तिथि है दोस्तों, 1 अगस्त 1942 को प्रयागराज इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज ही कहते हैं, इलाहाबाद में प्रयागराज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिलक स्वराज दिवस मनाया गया। ध्यान समझना दोस्तों, यहां पर 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस के रूप में मनाया गया, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम द्विधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, इसकी उल्टी मार हम पर भी पड़ सकती है। क्योंकि पंडित नेहरू को इस बात का इल्म था कि भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक आंदोलन बनेगा और इस आंदोलन को इस स्वरूप, ऐसे स्वरूप और इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा कि यह निर्णायक बन जाए, इसके बाद किसी आंदोलन की आवश्यकता न पड़े, भारत अंग्रेजों से मुक्त हो जाए। दोस्तों इसी उद्देश्य के साथ पंडित नेहरू ने यह कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम द्विधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, जिसकी उल्टी चोट हम पर भी पड़ सकती है। जो भी हो दोस्तों, इस प्रारंभिक घटनाक्रम के बाद अंततोगत्वा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 7-8 ध्यान दीजिए अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ। ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में हुआ। अब इसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। 7-8 अगस्त 1942, इसमें से 8 अगस्त की तिथि को याद रखिएगा, यह नहीं भूलना चाहिए। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए गांधी जी बड़े भावुक हो गए और भावुक होकर गांधी जी ने कहा, अपने लंबे स्पीच के दौरान जो उनकी मूल बात थी, जो कॉन्क्रीट बात थी, हिज कॉन्क्रीट मैसेज वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर। मंत्र दिया उन्होंने, अब जेल भरने से काम नहीं चलेगा, करो या मरो। अब जेल भरने से काम नहीं चलेगा, गांधी जी कहते हैं करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो यह आंदोलन था, एक ऐसा आंदोलन जिसका लक्ष्य, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का अगर लक्ष्य आपसे पूछता है तो इसका लक्ष्य था ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति, जिसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, गांधी जी अब निर्णायक मूड में थे। गांधी जी चाहते थे कि भारतीयों का यह एक अंतिम संघर्ष बन जाए,
जब गांधी जी कहते हैं करो या मरो, तो इसका तात्पर्य कतई यह नहीं है कि वो हिंसा की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई यह पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति कैसी है, तो गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति को सविनय अवज्ञा की प्रकृति रखी गई थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा किए जाने की ही वकालत की थी। उन्होंने सत्याग्रहियों को यह संदेश दिया था, या तो हमें आजादी मिलेगी या संघर्ष करते हुए अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे। लेकिन संघर्ष का मतलब उनका कतई हथियार उठाने से नहीं था, संघर्ष का उनका तात्पर्य सविनय अवज्ञा से था। इस बात को समझिएगा, सविनय अवज्ञा से। ऐसा सविनय अवज्ञा जिसमें शासन को, उसके कार्यों को, उसकी संस्थाओं को, उसकी नीतियों को पूर्णतः धता कर देना। इसलिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन भले 1930 में हुआ था, लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो प्रकृति है, आंदोलन की प्रकृति, उसका एक हिस्सा हमेशा याद रखिएगा। यहां भी गांधी ने अपने कार्यक्रम के अंतर्गत, हम कार्यक्रम कहें प्रकृति की जगह पर, जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को, उसकी नेचर को सविनय अवज्ञा ही रखा गया है। इसीलिए गांधी कहते हैं करो या मरो, इसका मतलब निर्णायक संघर्ष करो। याद रहिए दोस्तों, इस तरीके से 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक बंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को संबोधित करते हुए बड़े भावुकता से के साथ यह कहा कि करो या मरो। यहीं पर गांधी जी ने सभा को संबोधित करते हुए अपनी आशंका व्यक्त की थी। उनकी आशंका बिल्कुल सही साबित हुई। गांधी जी ने कहा था कि शासन कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है, ऐसे में प्रत्येक सत्याग्रही जो जहां है अपने विवेक से काम करेगा। गांधी जी का यह संदेह बिल्कुल सही साबित हुआ। 8 तारीख की मध्य रात्रि को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर, 8 तारीख की मध्य रात्रि को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर कांग्रेस के नेताओं को, अधिकांश बड़े नेताओं को शासन ने गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, इन्हें आगा खां पैलेस भेज दिया गया। पूना में आगा खां पैलेस, वहीं उन्हें गिरफ्तार किया गया और वहीं उन्हें रखा गया। दोस्तों, गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना भेज दिया गया आगा खां पैलेस में, और उनके साथ कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू भी थी। इसके अलावा अधिकांश बड़े नेताओं को अहमदनगर के किले में कैद कर दिया गया। गोविंद वल्लभ पंत उनमें शामिल थे। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में, बांकीपुरा जेल, हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को, कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद 9 अगस्त की सुबह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। देश की करोड़ों जनता पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक इस आंदोलन में शामिल हुई। तो इस पूरी घटना को, कि कैसे इस आंदोलन का प्रसार हुआ, हम एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। इस आंदोलन का प्रसार, ध्यान देना, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसार का जहां तक तात्पर्य है दोस्तों, इसे 3 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। प्रथम चरण में
भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसार है वो प्रायः नगरीय क्षेत्र में रहा, ये नगरीय क्षेत्र कस्बों में रहा। नगरीय क्षेत्र और कस्बों में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसार का प्रथम चरण देखने को मिला, जहां भारत के प्रायः प्रत्येक नगर में सरकारी संस्थाओं, सरकारी प्रतीकों का विरोध किया गया, जहां पर यूनियन जैक उतारा गया और भारतीय तिरंगा फहराया गया। प्रथम चरण में दोस्तों भारत के छोटे बड़े कस्बों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। लोग जेल गए। इस पूरे घटनाक्रम में लाखों लोग जेल गए थे और जिसकी शुरुआत इस प्रथम चरण से ही प्रारंभ हो गया। प्रथम चरण में नगरीय क्षेत्रों में बड़े बड़े नायकों ने अपनी भूमिका का निर्वहन शुरू कर दिया, युवाओं ने अपनी भूमिका का निर्वहन शुरू कर दिया। प्रथम चरण में क्रांति गुमराह नहीं होने पाई, ये आंदोलन गुमराह नहीं होने पाया। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों ने, स्थानीय स्तर पर युवाओं ने, मध्यवर्गीय लोगों ने, संभ्रांत लोगों ने इसे संभाला और फिर भारत छोड़ो आंदोलन का जो द्वितीय चरण, प्रसार का जो द्वितीय चरण है, इस द्वितीय चरण में यह आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में फैला, ग्रामीण क्षेत्र में। और इस समय तक आते आते यह आंदोलन, बहुत जल्दी ही आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में फैल गया। 1942 से 1944 के बीच में यह सब कुछ देखने को मिलता है। इस चरण में लोगों ने रेल की पटरियां उखाड़ डाली, डाक तार व्यवस्था को नष्ट कर दिया, टेलीग्राफ व्यवस्था को नष्ट कर दिया, संचार के साधनों पर इन लोगों ने संचार के साधनों को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि यह आंदोलन अब जड़ों तक, भारत के आत्मा ग्रामीण क्षेत्र तक फैल चुका था। इसलिए इस चरण में आकर एक बहुत बड़ा मास, एक बहुत बड़ा लोगों का समूह, हुजूम इस आंदोलन से जुड़ गया। और इसके तीसरे चरण में हमें दिखाई देता है समानांतर सरकारें। इसका जो तीसरा चरण हम देखते हैं वो है समानांतर सरकार तृतीय चरण में। तृतीय चरण, इस चरण में समानांतर हमें सरकार दिखाई देती है। समानांतर सरकार दोस्तों, भारत के तमाम क्षेत्रों में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थानीय नायकों ने मिलकर, स्थानीय लोगों ने मिलकर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, ब्रिटिश शासन से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। ऐसा सबसे पहला प्रयास संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ। चित्तू पांडे ने संपूर्ण बलिया, गाजीपुर और बनारस तक का क्षेत्र स्वतंत्र, अंग्रेजों से स्वतंत्र करा दिया। स्वयं उसके नेतृत्वकर्ता बने और जिला मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया, उनके नेतृत्व में शासन प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार दोस्तों उत्तर प्रदेश के बस्ती में भी समानांतर सरकार बनी, लेकिन सबसे चर्चित पहली सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में थी। हम पश्चिम बंगाल चलें, वहां मिदिनापुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई। आगे चलकर वहां सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन हुआ। हम बिहार चलें, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने पांच मित्रों के, अन्य पांच मित्रों के साथ जेल से कूद गए,
जेल से भागने में सफल हुए। बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में जाकर उन्होंने सामरांतर सरकार को स्थापित किया। हम मध्य प्रदेश चले, मध्य प्रदेश में सतारा, सतारा की सरकार समानांतर सरकारों में सबसे लंबे समय तक काम करने वाली सरकार थी। सतारा की सरकार नाना पाटिल, वाई बी चौहान जैसे नेताओं ने मिलकर वहां अंग्रेजों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। एक स्वतंत्र सरकार का वहां पर स्थापना उन लोगों ने किया और सबसे लंबे समय तक 44 तक यह सरकार चलती रही। इसी प्रकार दोस्तों उड़ीसा के तालचर में भी एक स्वतंत्र सरकार बनी। इतना ही नहीं, कर्नाटक के धारवाड़ में भी स्वतंत्र सरकार बनी। यानी चाहे बलिया हो या बस्ती, चाहे बिहार का तराई क्षेत्र हो या बंगाल का मिदनापुर, उड़ीसा का तालचर हो या महाराष्ट्र का सतारा, याद रखिए, या कर्नाटक का धारवाड़, इन सभी क्षेत्रों में और इसके अतिरिक्त भी क्षेत्रों में समानांतर सरकारों का गठन हुआ था। और यह भारतीयों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और यह बताता है कि उस समय जनता किस स्तर पर जाकर आंदोलन के बारे में सोच रही है। यह बताता है कि जनता पूरी तरह से ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहती है। यह बताता है कि जन आंदोलन कितना प्रसारित हो चुका है कि अभी आंदोलन नहीं, एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है। आंदोलन और जन आंदोलन में यही फर्क होता है, आंदोलन किसी भी वर्ग का व्यक्ति कर सकता है और उसका प्रभाव भी उतना ही सीमित होगा, लेकिन जब आंदोलन जन आंदोलन बन जाता है तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह समानांतर सरकार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश शासन से मुक्त, अपने आप को मुक्त कर दिया, उस क्षेत्र को मुक्ति दिलाई। ठीक है, वो कुछ महीनों के लिए सही या कुछ वर्षों के लिए सही, लेकिन उनके इन कार्यों ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की मनोदशा से पूर्णतः अवगत करा दिया। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से तीन चरणों में हम भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसार देखते हैं और धीरे धीरे यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया। लाखों लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लाखों लोगों की, कई हजार लोग मारे गए जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। अब आइए हम चर्चा करें उन नायकों की, उन महान नायकों की चर्चा करें जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपने हिस्से की भूमिका निभाई और जो चर्चित हैं। हम उन लाखों करोड़ों नायकों का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन आइए उनमें से कुछ चंद महानायकों की चर्चा करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद श्रीमती अरुणा आसफ अली द्वारा संभाला गया, किया गया। अरुणा आसफ अली को भारत की वयोवृद्ध महिला के तौर पर जाना जाता है, जैसे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वैसे ही अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड वीमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर प्यारे दोस्तों, अरुणा आसफ अली के अलावा उषा मेहता, उषा मेहता जी ने बंबई से गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। उषा मेहता के साथ नासिक से बाबू भाई, उसका एक शाखा कांग्रेस रेडियो की एक शाखा नासिक से प्रसारित हो रही थी बाबू भाई के द्वारा, दोनों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया और 4 वर्ष की कारावास की सजा हुई। याद रहे दोस्तों, उषा मेहता, बाबू भाई जैसे लोग कुछ समय तक राम मनोहर लोहिया भी जुड़े
कांग्रेस रेडियो से ये लोग आंदोलनकारियों को निर्देशित करते थे, उन्हें क्या करना है कैसे करना है निर्देशित करते थे। यही कारण था कि यह आंदोलन कभी गुमराह नहीं हुआ। यही कारण था कि आंदोलन में जगह जगह अपने तरीके से सत्याग्रहियों ने, आंदोलनकारियों ने और कुछ क्रांतिकारियों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन यह आंदोलन कभी हम ये नहीं कह सकते कि गुमराह हो गया। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, समझते रहिएगा, जैसे समाजवादी युवा नेता, राम मनोहर लोहिया जैसे युवा नेता, ये भूमिगत होकर इस आंदोलन का अलग अलग जगह नेतृत्व करते रहे, निर्देशन करते रहे। इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली जो इस पूरे आंदोलन की नेतृत्व करता ही थी, इन सब ने मिलकर के हजारों महिलाओं के साथ इस आंदोलन का नेतृत्व किया, इसे आगे बढ़ाया। और जब ब्रिटिश शासन ने दमनात्मक कार्रवाई की, तो याद रहे दोस्तों, जो हजारों लोग मारे गए थे उनमें महिलाएं भी थीं और छोटे छोटे बच्चे भी थे। लाखों लोगों की गिरफ्तारियां, कई हजारों लोगों की हत्याएं, इसने भारतीयों में ब्रिटिश शासन के विरोध में आक्रोश और भर दिया। निरंतर बढ़ रहे आक्रोश के कारण जगह जगह हिंसा भी होने लगी, जगह जगह हिंसा होने लगी। जब गांधी से पूछा गया कि आंदोलन में हिंसा हो रहा है, तो गांधी जी ने इसका जवाब दिया कि यह हिंसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शासन के खिलाफ ये मात्र प्रतिक्रिया है, शासन के दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ। अगर शासन हिंसात्मक दमनात्मक कार्रवाई न करे तो सत्याग्रही कभी हिंसा नहीं करेंगे। यानी गांधी जी ने कहीं ना कहीं भारतीयों द्वारा किए जा रहे, इस समय भारतीयों के माध्यम से जिस किसी भी तरह से हिंसा हो रही थी, उस पर गांधी जी ने कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया, क्योंकि गांधी जी को मालूम था कि शासन का निरंतर दमन ऐसा देश के क्रांतिकारियों को, देश के सत्याग्रहियों को करने पर मजबूर कर रहा है। यह गांधी जी के सामान्य सिद्धांतों से निसंदेह भिन्न था, लेकिन गांधी जी ऐसी मनोदशा से गुजर रहे थे जिसमें गांधी जी ने ऐसा ही निर्णय लिया। सत्याग्रहियों द्वारा जो प्रतिक्रिया हो रही थी इसके खिलाफ, उन्हें गोली मारी जा रही थी। निरंतर हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने अंततो गत्वा निर्णय लिया अनशन का। गांधी जी ने शासन के दमनात्मक कार्रवाइयों को देखते हुए अनशन का निर्णय लिया। शासन ने भी गांधी जी को मनाने की कोशिश नहीं की। गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, ये देखते हुए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से कुछ महत्वपूर्ण नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया। वायसराय की काउंसिल से होमी मोदी एन आर सरकार और एम एस अड़े, इन लोगों ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, गांधी जी ने बड़े चालाकी से अपना अनशन स्वयं ही तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था अगर वैसा नहीं करेंगे तो सरकार कतई उन्हें मनाने वाली नहीं थी। ये भी गांधी जी की एक राजनीतिक चाल थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है दोस्तों कि आखिर इस आंदोलन की प्रकृति कैसी थी।
भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति से संबंधित एक हमेशा चर्चा होती है, इसकी प्रकृति कैसी थी। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह स्वतः स्फूर्त प्रकृति का था। यह अखिल भारतीय था। यह हिंसक था या यह अहिंसक था, ऐसे ढेर सारे प्रकृति संबंधी चर्चा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई है। अगर हम इन सब पर थोड़ा थोड़ा गौर करें, इसके अतिरिक्त भी बिंदुओं पर, जहां तक स्वतः स्फूर्त आंदोलन का प्रश्न है, सामान्यतः इसका खंडन किया जाता है, क्योंकि स्वतः स्फूर्त आंदोलन सिर्फ ऐसा आंदोलन हो सकता है जिसमें कोई रणनीति ना हो, कोई कार्यक्रम ना हो, कोई नेतृत्वकर्ता ना हो। तो क्या हम भारत छोड़ो आंदोलन को ऐसा ही आंदोलन माने जिसमें जिसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है, जिसकी कोई निश्चित रणनीति नहीं है, जिसका कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, या अगर उद्देश्य है भी तो शेष चीजें नहीं है? हम ऐसा कतई स्वीकार नहीं करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति स्वतः स्फूर्त नहीं है, आपको यह स्वीकार करना है। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर अधिकांश कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बावजूद इसके अरुणा सफली ने इसका नेतृत्व किया और भूमिगत होकर अनेक नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। गांधी जी ने पहले यह कह भी रखा था कि सत्याग्रही अपने स्वविवेक से काम करें, इसलिए स्वतः स्फूर्त नहीं है, क्योंकि सत्याग्रही गांधी द्वारा सुझाए गए रणनीति के हिसाब से काम कर रहे थे, क्योंकि सत्याग्रही उन तमाम नेताओं के अलग अलग जगह जो चाहे भूमिगत होकर, चाहे कांग्रेस रेडियो के माध्यम से या स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से जो निर्देश दे रहे थे, उसी निर्देश के तहत यह आंदोलन सक्रिय हुआ और हो रहा था, इसलिए इसे स्वतः स्फूर्त नहीं कहा जाना चाहिए। जहां तक रही अखिल भारतीय आंदोलन की बात, तो निसंदेह यह एक अखिल भारतीय आंदोलन था। जहां तक रही हिंसक आंदोलन की बात, तो इसे हिंसक आंदोलन पूरी तरह कहना ठीक नहीं है। निसंदेह इस आंदोलन के दौरान कुछ हिंसा हुआ, लेकिन गांधी जी ने जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का निर्धारण किया, कैसे इसका कार्यक्रम क्या होगा, इसकी रणनीतियां क्या होंगी, तो इस कार्यक्रम और रणनीति में कहीं भी हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। यह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इस आंदोलन में कहीं भी हिंसा के लिए गुंजाइश नहीं थी। यह आंदोलन पूरी तरह से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कई बार आप जब करो या मरो को गलत इंटरप्रेट करते हैं, करो या मरो को इस रूप में देखते हैं कि गांधी जी मरने का मतलब मरने और मारने से करते हैं, तो आप ये गलत सोच रखते हैं, क्योंकि करो या मरो में आत्म त्याग की बात है, करो या मरो में स्वपीड़न की बात है, पर पीड़न की बात नहीं। करो या मरो में सविनय अवज्ञा की बात है, अवज्ञा की बात है, लेकिन वह अवज्ञा हिंसक साधनों से नहीं, सत्याग्रह से। वह अवज्ञा किसी की हत्या करके नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर स्वपीड़ित होकर भी करना है, मरते दम तक करना है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था, इस आंदोलन का उद्देश्य है ब्रिटिश शासन से मुक्ति, और इस मुक्ति के लिए हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि मर नहीं जाएंगे, या तो संघर्ष पूरा होगा या मर जाएंगे। संघर्ष पूरा होने का मतलब या तो हम आजाद होंगे या अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसलिए दोस्तों,
इसे हम हिंसक आंदोलन कहीं कतई नहीं कहेंगे, यद्यपि इस दौरान हिंसा हुआ यह स्वीकार किया जाएगा। तो यह एक अहिंसक आंदोलन था। तो ध्यान दीजिए, इसका निर्धारण, जब इसका निर्धारण किया गया तो इसका अहिंसक आंदोलन के रूप में ही किया गया था, लेकिन इस आंदोलन के दौरान कुछ हिंसा हुई, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो प्रकृति है वो अहिंसक ही है, और जो भी हिंसा हुआ वो प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। अलग अलग विद्वान इस मामले में अपनी अलग अलग राय रखते हैं, आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन सर्व सामान्य की राय भिन्न भिन्न होते के बावजूद भी अधिकांश लोगों की राय यही है कि भारत छोड़ो आंदोलन ना तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और ना ही इसे हम एक हिंसक आंदोलन कहेंगे, बल्कि यह गांधी जी के नेतृत्व में उनके दिखाए मार्ग पर, दिशा निर्देश पर शुरू किया गया और अलग अलग नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में इसका अपने स्वविवेक से नेतृत्व किया। हां, यह अखिल भारतीय आंदोलन है और इसका निर्धारित जो प्रकृति थी, निर्धारित प्रकृति वो अहिंसक थी, सविनय अवज्ञा से जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति सामान्य तौर पर आपके सामने इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होती है, यह रखा जाता है। आगे अब जहां तक बात रही परिणाम की, तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम को सामान्य तौर पर साधारणतः हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक, इसके कुछ सकारात्मक परिणाम। सकारात्मक परिणाम और दूसरा इसके नकारात्मक परिणाम। इसके नकारात्मक परिणाम, अब जहां तक सकारात्मक परिणाम का प्रश्न है, इसे आइए देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्या क्या सकारात्मक परिणाम रहा। सबसे पहला जो सकारात्मक परिणाम था वो यह रहा दोस्तों कि भारतीय ऐसे मनोदशा से गुजर रहे थे, अब केवल गांधी जी नहीं, पूरा भारत, ऐसे कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे मनोदशा से गुजर रहा था जिसमें उसे चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता का जो लक्ष्य था उसके लिए सबसे ज्यादा, सबसे उग्र और सबसे बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन सिद्ध हुआ, सबसे बड़ा। इसका दूसरा सकारात्मक परिणाम यह रहा कि इस आंदोलन में तमाम बड़े नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद भी इस देश के युवाओं ने, महिलाओं ने, इस देश के आम जनमानस ने, किसानों ने, आदिवासियों ने जगह जगह इस आंदोलन को सफल बनाने का हर संभव प्रयास किया। इस आंदोलन का तीसरा सकारात्मक परिणाम यह रहा कि भारत के तमाम क्षेत्रों में समानांतर सरकारें बनी। वे समानांतर सरकारें जो स्थानीय नायकों द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका गया और उन क्षेत्रों को स्वतंत्र कराया गया, यह अपने आप में भारत छोड़ो आंदोलन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसका अगला सकारात्मक परिणाम यह रहा दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद फिर कोई अखिल भारतीय आंदोलन नहीं हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के तुरंत बाद हमें 44 में या 45 में स्वतंत्रता तो नहीं मिली, लेकिन स्वतंत्रता का ऐसा आधार इसने मजबूत कर दिया
कि इसके बाद हमें फिर कोई बड़ा आंदोलन नहीं करना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन का एक और सकारात्मक परिणाम यह रहा दोस्तों कि अंग्रेज इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि अब भारत पर शासन दीर्घकालिक तौर पर नहीं किया जा सकता, उनके लिए बोझ है, क्योंकि किसी भी तौर पर अब संवैधानिक गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता था। एक ही विकल्प था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और गांधी जी ने इस बात को कह रखा था कि अब संवैधानिक गतिरोध दूर करने का एक ही रास्ता होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यह बात अंग्रेजों को बखूबी इस आंदोलन के दौरान समझ में आ गई। प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के एक नहीं अनेक सकारात्मक बिंदु हैं, एक नहीं अनेक सकारात्मक बातें हैं। कुल मिलाकर इस अगस्त क्रांति को भारत की स्वतंत्रता के पूर्व का आखिरी अखिल भारतीय आंदोलन के तौर पर याद किया जाता रहेगा। लेकिन दोस्तों, इस आंदोलन के कुछ अपने नकारात्मक परिणाम भी हुए। सबसे पहला नकारात्मक परिणाम यह रहा कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, और खासकर शासन की तरफ से। याद रखिएगा, जब मैं हिंसा की बात करता हूं और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब हिंसा की बात होती है, तो आप कतई उसे सत्याग्रहियों की तरफ से हिंसा ना समझें। जब हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, तो उस समय जो हिंसा हुई, उस हिंसा में सत्याग्रहियों की तरफ से किया जाने वाला हिंसा बहुत सीमित था। अधिकांश हिंसा शासन की तरफ से हुआ, क्योंकि जब जब सत्याग्रहियों ने, जब जब आंदोलनकारियों ने अवज्ञा किया, शासन ने उन्हें सूट किया, उन्हें उनकी हत्याएं की ताकि आंदोलन का दमन किया जा सके। लेकिन कहते हैं ना, ज्यों ज्यों इलाज की मर्ज बढ़ता गया, क्योंकि अब देश जागरूक हो चुका था। किसी एक क्रांतिकारी के मरने से, किसी आंदोलनकारी को गिरफ्तार किए जाने से यह आंदोलन रुकने वाला नहीं था, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। लेकिन हिंसा हुई, उस हिंसा में हजारों लोग मरे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी। ये इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष था। इस आंदोलन का दूसरा नकारात्मक पक्ष यह रहा कि मुस्लिम लीग उदारवादियों ने, मुस्लिम लीग ने उदारवादियों ने जनसंघ ने अकाली दल ने तथा डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग, उदारवादी, जनसंघ, अकाली दल, यह संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का खुलकर विरोध किया, और व्यक्ति के तौर पर बहुत चर्चित व्यक्ति डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक ऐसे आंदोलन के तौर पर देखा जो राष्ट्र को गुमराह कर सकता है। जिन्होंने गांधी की विचारधारा में कतई विश्वास नहीं किया, डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने तो यहां तक कहा कि यह एक पागलपन भरा अनुत्तरदायित्वपूर्ण आंदोलन है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का स्टेटमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन एक अनुत्तरदायित्वपूर्ण तथा पागलपन भरा आंदोलन है। ऐसे तमाम संस्थाओं ने, लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। लेकिन
वामपंथी दलों ने इसका विरोध नहीं किया था, इसका समर्थन किया था, और वामपंथी दलों द्वारा इसके समर्थन का सबसे बड़ा कारण यह था कि वामपंथी दल ब्रिटेन के खिलाफ रूस के साथ जुड़े हुए थे, ब्रिटेन के खिलाफ रूस के साथ, क्योंकि ब्रिटेन पूंजीवादी, अमेरिका पूंजीवादी और रूस समाजवादी था। तो इस देश में जब भारत छोड़ो आंदोलन जैसा महान आंदोलन हुआ, तो इसका नकारात्मक पहलू एक ये भी रहा कि इसी देश के तमाम राजनीतिक दलों और व्यक्तियों ने इसका विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन का एक अन्य नकारात्मक पहलू यह रहा दोस्तों कि इस आंदोलन में इस आंदोलन के तत्काल बाद भारतीयों को स्वतंत्रता नहीं मिली, उन्हें फिर इंतजार करना पड़ा। लेकिन इन सब के ऊपर यदि हम ओवरऑल भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन करें तो हमें क्या मिलेगा, आइए उसको देखते हैं। एक बार हम भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन करके देखते हैं। इसका अगर मूल्यांकन किया जाए, वस्तुनिष्ठ ध्यान दीजिएगा मूल्यांकन करें, तो हम क्या पाते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से भारत में व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ। पहले नरमपंथी, फिर गरमपंथी और फिर गांधीवादी नेतृत्व में आंदोलन हुआ। गांधी जी ने आंदोलन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा, एक नई रणनीति, कार्यशैली प्रदान की थी। उन्हीं की रणनीतियों का, उन्हीं की कार्यशैली का, उन्हीं के द्वारा निर्धारित उद्देश्य का, कांग्रेसियों द्वारा निर्धारित उद्देश्य का एक अगला सोपान था भारत छोड़ो आंदोलन। 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ, उस समय गांधी जी की रणनीति, गांधी जी का उद्देश्य, गांधी जी का कार्यक्रम और लक्ष्य अलग था। लक्ष्य अभी स्वराज था। लेकिन जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय गांधी जी की रणनीति, गांधी जी का कार्यक्रम, उद्देश्य बदल गया। अब उद्देश्य पूर्ण स्वराज था, कार्यक्रम में सविनय अवज्ञा आ गया, असहयोग से और उग्र। लेकिन 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तो अब उनकी रणनीति, उनका कार्यक्रम, उनका उद्देश्य बदल गया। अब उद्देश्य पूर्ण स्वराज तो है ही, लेकिन पूर्ण स्वराज में उद्देश्य में शामिल क्या है, किसी भी सूरत में अब अंग्रेजों को भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इन्हें भारत से बाहर करना ही है, भारत को इनसे मुक्त होना ही है, अब करो या मरो की बात आई। अब उनकी रणनीतियां, उनके उद्देश्य, कार्यक्रम बदल गए, तो क्यों ना हम इसे इस तरह समझें कि देश काल परिस्थिति सापेक्ष गांधी जी ने अपने आंदोलन के प्रकृति को भी बदला, रणनीति को बदला, उद्देश्य को बदला। उसी कड़ी में एक आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे निर्णायक बनाने के लिए ही काम किया गया था, ताकि इसके बाद भारत को कोई अन्य आंदोलन न करना पड़े। अब भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों में कुछ निश्चित दलों और व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत में आम जनमानस ने इस आंदोलन को अपना आंदोलन बनाया। यह भारतीयों की राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीयता के प्रति बढ़ती चेतना का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। यह इसका पॉजिटिव एसेंस है कि राष्ट्रीयता की भावना 1942 से 44 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस दौरान किस शिखर पर राष्ट्रीयता की भावना भारतीयों में घर कर गई, इसे समझना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों,
इन सभी कारणों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही मित्र राष्ट्रों की हार हुई, लेकिन वो आर्थिक तौर पर तबाह हो चुके थे। तो ब्रिटेन की आर्थिक तबाही ने, शीत युद्ध ने, अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने सुभाष चंद्र बोस द्वारा सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत की आजादी प्राप्त करने के आह्वान ने और भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता की भागीदारी तथा उनके अंदर व्याप्त राष्ट्रीयता की चेतना ने अंततोगत्वा हमें आजादी के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपके सामने भारत छोड़ो आंदोलन जैसा एक महत्वपूर्ण निर्णायक आंदोलन, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह एक निर्णायक आंदोलन है, एक निर्णायक आंदोलन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस निर्णायक आंदोलन से लाभान्वित हुए होंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल का बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।